हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। विद्या मित्र आपको स्वागत है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी जिसके अंदर बच्चों अंडर सेक्शन 212 के तहत जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है उससे जुड़े हुए एग्जांपल स्टार्ट किए हैं। इसके ऑप्शन में बच्चों होल्डिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट है जिसमें बहुत दिक्कत होने वाली है, तो बेटर ऑप्शन हमेशा होल्डिंग कंपनी अंडर सेक्शन 212 रहता है। इसको बच्चों बराबर करो। आज सफर में लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 ब्रैकेट में 18 पेज नंबर 38। ये पूरे टॉपिक में आप देख सकते हो, मोस्टली एक या दो समय मैंने होमवर्क में दिए। टॉपिक एकदम इजी है पर टेक्निक को पकड़ के रखना जरूरी है। चलो बच्चों पेज नंबर 38। The Mega Limited is a holding company for Milan Limited. From the information given below, prepare a statement as per under section 212 of the Company Act. Mega Limited holding company, clear that we have Milan subsidiary company. तो सबसे पहले बच्चों नाम लिख दें। Holding company कौन है? Mega और subsidiary company Milan। आगे जाए बच्चों। Point number one. 31 मार्च 2006 को हमने बिजनेस टेक ओवर किया है बच्चों, वहां तक की इंफॉर्मेशन है। एक नंबर, द मिलन लिमिटेड वाज हैविंग अ फॉलोइंग बैलेंसेस फ्रॉम सम अकाउंट। अब मिलन यानी बच्चों सब्सिडियरी कंपनी, उसकी 2003 को इक्विटी कैपिटल 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। फिर दो नंबर का पॉइंट, मेगा ने परचेस के 120,000 इक्विटी शेयर एंड 400 प्रेफरेंस शेयर ऑन 1803। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, देखो बच्चों। पॉइंट नंबर 3, अनदर 30,000 शेयर परचेस 104। The Milan Limited has issued a bonus for one equity share for two from 1405. Oh, different information again. One time of Milan has issued a right share 3:1 were fully paid. Oh, the details of profit before tax. This is very very important. Saurav's ka bachcho totally different question. Page number 39 pe pura answer dekh sakte ho chhap ke diya hai. Par bachcho iske andar aapne dekha hoga technique aapka vijay hai. Chalo sabse pehle lenge bachcho ek number ke andar शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी मिलन। तीन से लेके हमें छह तक जाना है बच्चों। सबसे पहले 0304 जिसके अंदर मुझे दिखाई दे रहे इक्विटी कैपिटल, पहले पॉइंट में 20 लाख डिवाइड बाय 10 करो बच्चों तो शेयर आएंगे 2 लाख, प्राइस आएगी 10, टोटल 20 लाख। सेकेंड है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसके अंदर पहली बार ऑकवर्ड प्राइस है 1000, 10 लाख को 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 × 1000 रुपीस यानी 10,000 आएगा बच्चों। चेकिंग कर ले, चलो एकदम सही है बच्चों। ये नीचे लाइन भी मैंने ये हो गया 2003-04। अब लेने जा रहा हूं मैं 4-5, उसमें सबसे पहले इक्विटी कैपिटल 2 लाख। अब बच्चों उससे जुड़ा हुआ पॉइंट देखिए, हम लोग पॉइंट नंबर 4 के अंदर दिखाई दे रहा है मिलन ने कुछ बोनस शेयर इशू किया बच्चों, और 10-5 को राइट शेयर इशू किया, यानी बोनस शेयर और राइट शेयर 4-5 को है। आई थिंक 1405 को है, 05 यानी नेक्स्ट ईयर, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेम लिख दे बच्चों, और इसमें कोई डब्बो ना दी, ये टपका है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया 4-5। अब बच्चों ध्यान से देखना मैं 5-6 में क्या कर रहा हूं, बहुत कैलकुलेशन। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल 2 लाख मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। पॉइंट नंबर 4 चौथा वाला जो मिनर लिमिटेड इशूड अ बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 2 इक्विटी शेयर फ्रॉम रिजर्व 1405 प्लस बोनस। कैसे देना है बच्चों 1-4-2 को कैसे लिखोगे, 2 वाले को 1 से, तो 2 लाख वाले को हाउ मच 1 लाख शेयर बोनस आएगा, 3 लाख रुपए बोनस शेयर कैपिटल भी बच्चों चेकिंग कर ले। चलो एकदम सही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 एडजस्टमेंट 5, उसके अंदर बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है डेंजरस राइट शेयर, उसमें बोला उन्होंने ऑन 1-10-05 मिलन इशूड राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3 वाले को 1 राइट शेयर तो 3 लाख वाले को हाउ मच, जैसे बच्चों मच वाला काम करोगे 3 लाख इनटू 1 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1 लाख आएगा, पर अगर आप डेट देखते हो तो कब इशू किया है
110 कब इशू हुआ? 1005। 110 का मीनिंग क्या होगा बच्चों? 10, 11, 12, 1, 2, 3 मात्र राइट साइड का पार्ट 6 महीने का आएगा। 1 लाख को सेटिंग करोगे बच्चों और 6 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक 50,000। अब बच्चों टोटल शेयर कैपिटल 3,50,000 इंटू 100 इक्वल टू 35x होगा। और बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर आई थिंक कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा 10 लैक्स। अद्भुत वर्किंग। ये हो गया बच्चों आपका मात्र सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। पहले स्टेप में आधा पॉइंट बन गया। स्टेप नंबर टू, डिविडेंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के डिविडेंड लिए बच्चों सबसे पहले 0405 उसमें लेंगे हम लोग इक्विटी डिविडेंड ना डेंजरस प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड के लिए कैपिटल की वैल्यू है 20 लाख रुपए और टेबल के अंदर डिविडेंड का रेट है बच्चों 20%। 20 लाख में 20% काटोगे बच्चों, जैसे निकालोगे वैल्यू आएगी 4 लाख रुपए। चलो उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस कैपिटल 10 लाख और रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस कैपिटल के बाद में आएगा 15%। निकालोगे 15%, 1,50,000। ये 2004-05 का डिविडेंड आ जाता है। यस उसके बाद सॉरी 4-5 लिया बच्चों, 3-4 उसके बाद 4-5 उसमें भी फिर से इक्विटी डिविडेंड और फिर आएगा बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड के लिए कैपिटल है 20 लाख 10 लाख 20 लाख और डेंजरस 10 लाख। इसमें भी रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस का सेम है, इक्विटी का बच्चों 30% आई थिंक 6 लाख और यहाँ आएगा 1,50,000। 6 लाख और 1,50,000 चेक करें बच्चों, हाँ एकदम सही है। चलो उसके बाद आएगा बच्चों 5, 6। 5, 6 के लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, तो उसके अंदर मुझे गिनती दिखानी होगी। सबसे पहले इक्विटी डिविडेंड, उसके अंदर अफलातून वैल्यू 45 लाख और प्रेफरेंस डिविडेंड है बच्चों इसके अंदर वैल्यू है 10 लाख। कैपिटल ली रेट ऑफ डिविडेंड 40%, 35 लाख का 40% और यहाँ 15% फिक्स है बच्चों। 35 लाख का 40% काटो तो बच्चों ड्यू कर 14 लाख रुपया। लंबा सम बच्चों, स्टेप नंबर टू देख सकते हो पूरा बोर्ड बन गया है बच्चों। स्टेप नंबर थ्री, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी टेकन ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। यहाँ जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर टेक ऑफ किया है बच्चों को लेना है 0304। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल, फिर आएगा बच्चों डेंजरस प्रेफरेंस कैपिटल। नजर बोर्ड पे इक्विटी कैपिटल ये मेरा ध्यान देना बच्चों। पॉइंट नंबर टू ध्यान देना बराबर पीजो वालों, मेगा लिमिटेड हैज परचेज्ड 1,20,000 इक्विटी शेयर एंड 400 प्रेफरेंसेस ऑन 03। तो इक्विटी कैपिटल कितनी है बच्चों? 1,20,000 इक्विटी शेयर, प्राइस 10 रुपए, टोटल होगा 12 लाख और प्रेफरेंस में बच्चों 400 प्रेफरेंस का ले कितने 400 इंटू 1000 वैल्यू आएगी 4 लाख। पर इसमें डेट है बच्चों, प्रेफरेंस कब खरीदे हैं? मेगा लिमिटेड परचेज प्रेफरेंस इन द मिलियन लिमिटेड 1803। ये कब खरीदा है बच्चों? 1803। ये खास याद रखना होगा बच्चों जिससे डिविडेंड में दिक्कत ना आए। चलो उसके बाद 0405 उसमें इक्विटी कैपिटल में कौन से थे बच्चों देख ले आगे। हाँ पॉइंट नंबर थ्री, अनदर 30,000 इक्विटी परचेज ऑन 1404। तो बी दूसरे कितने खरीदे? 120 प्लस 30 यानी 150 इंटू 10 यानी 15 लाख। और प्रेफरेंस इन कैपिटल में उसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों, 4 लाख चेकिंग कर लो बच्चों। चलो 15 लाख और 4 लाख एकदम सही है। अब रखा होगा बच्चों 2005 के अंदर। चलो सबसे पहले मेरे पास इक्विटी कैपिटल के लिए शेयर है बच्चों 1,50,000। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं पांचवा पॉइंट, मिलियन लिमिटेड है बच्चों, राइट शेयर इशू किया था। चौथे पॉइंट में बोनस है, तो सबसे पहले बोनस निकाले
बोनस कैसे दिया था? यहां देख लेना, मैं दो वाले को एक बोनस, तो 1,50,000 वाले को कितना? आई थिंक 75 आएगा। चेकिंग कर ले बच्चों, मल्टीप्लाई करके। यस 75 एकदम सही है, 225। फिर बच्चों कंपनी ने यहाँ बोनस दिया और राइट शेयर दिया, तो यहाँ भी आएगा। हाँ राइट शेयर कैसे आए? तीन वाले को एक शेयर, तो 2,25,000 वाले को हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों वैल्यू आएगी 75,000। पर इसमें हमें देखनी है डेट, तारीख पे तारीख कब इशू किए थे, 1/10 को। 1/10 जैसे देखा बच्चों यहाँ 6 महीने का वैल्यू लेंगे हम, 75,000 का 6 महीने का वैल्यू आएगा 37,500। अब बच्चों नेट इक्विटी कैपिटल आएगी 262,500 × 10 = 26,25,000 रुपए। और प्रेफरेंस एंड कैपिटल में बच्चों, प्रेफरेंस एंड कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, सेम 4,00,000 रुपए। और ये हो गया बच्चों आपका अफलातून स्टेप नंबर 3। पहले बात देख सकते हो बच्चों जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, इस तरफ लेंगे। चलो बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूजिक सुनाई दे रहा है, तो बच्चों मैंने सीजन है तो उसके आवाज है, थोड़ा कंसंट्रेशन पर करना होगा। चलो नजर पड़ पे अब 3 नंबर के बाद लेंगे बच्चों 4 नंबर, इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें करना क्या है, इंटरेस्ट के लिए जो 3 नंबर का पॉइंट है बच्चों उसे 4 नंबर से डिवाइड करना है। कैसे? तो 0304 ध्यान से देखना, इक्विटी इंटरेस्ट जगह छोड़ी प्रेफरेंट इंटरेस्ट। चलो इक्विटी में कितने शेयर खरीदे बच्चों ने, पहले साल में 120। बैलेंस शीट में हमने डेटा लिया था वो कितना था बच्चों पहले क्वार्टर में, तो पहले क्वार्टर में सेल थे 2,00,000, 8×100 करोगे तो 60% आएगा। और प्रेफरेंस में 400 खरीद देते हैं, टोटल प्रेफरेंसेस अवेलेबल थे बच्चों मेरे ख्याल से प्रेफरेंसेस है या 10,00,000 / 1,000 × 100 करोगे तो 40% आए। देखो बच्चों में आगे की वैल्यू मैंने निकाल दिया, 60%, 40% सही है। अब उसके बाद 0405 अगेन इक्विटी इंटरेस्ट, थोड़ी जगह छोड़ी प्रेफरेंस इंटरेस्ट। यहां तो बच्चों सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। प्रेफरेंस हमने कितने लिए थे, ये रहे साथ इक्विटी शेयर कितने लिए थे 1,50,000 सामने उस तरफ कितने थे बच्चों 1,50,000 के सामने 2,00,000 थे। अब यहां इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। चलो 0506 के अंदर फिर से इक्विटी इंटरेस्ट बच्चों अने प्रेफरेंस इंटरेस्ट, इक्विटी इंटरेस्ट के लिए फिर से बच्चों कितने शेयर खरीदे दे रहे 2,62,500 सामने बच्चों सबसे ज्यादा कंपनी के कितने रहे तो बोले 3,50,000 सेम इंटरेस्ट आएगा 75%। चलो उसके बाद प्रेफरेंस इंटरेस्ट बार बार ना गिरे तो चलेगा बच्चों 40%। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 बच्चों डेड प्रॉफिट या इसे कहा जाता है रजिस्टर्ड प्रॉफिट, ये कैसे मिलता है? तो शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी कहां से लोगे, स्टेप नंबर 3 में से, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। चलो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले 0304 इक्विटी डिविडेंड, मीडिया वाले वन बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो इक्विटी डिविडेंड के लिए कैपिटल है 12,00,000, प्रेफरेंस के लिए 4,00,000, 12,00,000, 4,00,000। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस का तो 15% फिक्स्ड है बच्चों, और इक्विटी का टेबल में से ले रहा हूं मैं 6 पॉइंट में 20%, 12×6=10, 12×2=24,00,000। और नीचे 15% 4,00,000 का लोगे बच्चों पर मेरी नजर जा रही है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, मेगा लिमिटेड हैज परचेस्ड 120,000 शेयर एंड 400 शेयर ऑफ 1803। तो जब बच्चों 18 को आपने खरीदा हो तो
3-4 के अंदर जो डिविडेंड आया उसमें गड़बड़ होगी, कितने महीने का लेना पड़ेगा? 1 सेकंड, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, एग्जैक्टली 8 मंथ आएगा। 1-8 खरीदा बच्चों, 1-8, इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ डिविडेंड में कितने महीने आएंगे बच्चों? इनटू 8 डिवाइड बाय 12, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आप कर दो। बच्चों 24 लाख में से 7 50 जाए तो 16 लाख 50 हजार,
उसके बाद लास्ट में बच्चों 30 लाख में 1550 जाए तो आई थिंक 1450 यस। अब चौथे स्टेप पे से बच्चों होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट लेना ना, स्टेप नंबर 4 में आपका गणित हुई है। पहला मैं कहता हूं तो 60% लो दिया 75 60 75 75, जैसे लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 680। उसके बाद आएगा 1237500। उसके बाद आएगा बच्चों 1087500। ये हो गया बच्चों आपका नॉट नेट प्रॉफिट, पूरा आंसर आपके सामने बच्चों। आप देख सकते हो 17,16,50, ये पूरा आंसर आ जाता है बच्चों। टेक्निक देखो, उनकी जो टेक्निक है ना बच्चों, वो आपको हर्ट करेगी। अरे ध्यान कॉमर्स में टेक्निक बच्चों गवर्नमेंट इज सम वे सेवर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा टॉपिक बच्चों टेक्निक के ऊपर लिया जाता है। ये टॉप सम के अंदर क्या नया सीखा, तो इसके अंदर बच्चों राइट शेयर आया और बोनस शेयर आया जिसमें डेट इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड के अंदर भी आपने क्या किया, 8 महीने लिया, 1 8 को खरीदा था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टैक्स का है बच्चों, इसके अंदर कभी भी प्रॉफिट में टैक्स नहीं आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों सौराष्ट्र या साउथ में आते हैं, पर जब बच्चों एग्जाम में पूछना हो तो कोई भी बोल सकता है। अब इसके ऊपर जब बच्चों स्टेटमेंट क्लियर करना होगा, एक बार बोलते हैं हर एक सम में हम स्टेटमेंट करेंगे, एक नंबर अंडर सेक्शन 212 स्टेटमेंट। अब मेगा कंपनी और मिलन, उसमें मिलन का बैलेंस शीट का बंदर देख लो, मेगा लिमिटेड होल्डिंग है, मिलन लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मेगा लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2006 और उसमें होगा 31 दिसंबर 2005 यस। चलो बोले ब्रो, पहला सबसे पहले एक नंबर में कॉपी ऑफ पीएनएल अकाउंट, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉपी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। 5 नंबर के अंदर बच्चों इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी, 6 नंबर के अंदर डेट प्रॉफिट, 7 नंबर के अंदर नॉट डेट प्रॉफिट, 8 नंबर के अंदर एनी चेंजेस इन इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी बिटवीन टू फाइनल अकाउंट डेट्स, कोई चेंज नहीं, और 9 नंबर में एनी चेंजेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, कोई असेट्स खरीदियो, परचेस कियो, बॉन्ड खरीदा हो, लोन लियो, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। और ओवरऑल अच्छा सम है, ब्रैकेट में सेम कॉपी आप करोगे 18 नंबर का सम। फुल फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लेने जा रहे हैं 14 ब्रैकेट में 12 एट नंबर 33। अब तक आपने देखा होगा बच्चों होल्डिंग कंपनी अंडर सेक्शन 212 में पैराग्राफ में डेटा आता था। अब बच्चों आपके सामने बैलेंस शीट वाला समझ रहा हूं, फुल वजनदार क्वेश्चन पेज नंबर 33। चलो हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हीरल कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/12/13। बैलेंस शीट है लायबिलिटीज एंड इक्विटी कैपिटल इज द पीएनएल असेट्स। एडिशनल में केना हैज परचेस्ड 48,000 से, तो केना मेरे ख्याल से होल्डिंग कंपनी होगी और सब्सिडियरी कंपनी होगी हीरल। यस दैट्स देखना, सबसे पहले नाम डिसाइड करना बहुत जरूरी, होल्डिंग कंपनी केना सब्सिडियरी कंपनी होगी बच्चों आई थिंक हीरल यस एट लिमिटेड। आगे जाते हैं, पहले पॉइंट में केना ने 48,000 से खरीदे हैं टोटल बच्चों, उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू 11,20,000 है, जनरल रिजर्व 2 लाख है, ये 11 का डेटा है। अब बैलेंस शीट 13 है तो मुझे ऐसा लग रहा है 11-12-13 साल में जाना पड़ेगा। हाँ, सेकंड पॉइंट में हीरल कंपनी लिमिटेड है पेड डिविडेंड ऑफ 20% एंड 30% फॉर 11-12, 11-12 का डिविडेंड है, 13 का डिक्लेयर नहीं किया होगा, फिर प्रॉफिट है बच्चों। आगे हीरल कंपनी इज प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर एंड केना प्रिपेयरिंग मार्च, सेम बच्चों दोनों के अंदर 3 महीने का गैप। उसके बाद बच्चों कुछ असेट्स करके ऐसी इंफॉर्मेशन है, मशीनरी का भी डिबेंचर, और आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अच्छा सम बच्चों, आज आपको स्टेटमेंट के अंदर फुल सम करवाने जा रहा हूं। चलो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे, एक नंबर शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हीरल, उसमें सबसे पहले 2011, 2012 और 2013। बैलेंस शीट में बच्चों हीरल कंपनी की कैपिटल है 6 लाख, डिवाइड बाय 10 रुपए करोगे तो 60,000 × 10 6 लाख सेम रहेगी बच्चों, कोई चेंज नहीं है। तीनों साल में ना बोनस शेप का पॉइंट है, ना सम के अंदर राइट शेयर है। तो बोले सर इसमें है क्या, और वो है भाई आपको समझना है, सेकंड स्टेप डिविडेंड ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, फिर से बच्चों 2011, 2012, 2013 डिविडेंड के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या है, इक्विटी कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब यहां बच्चों लेंगे इक्विटी डिविडेंड, यहां भी आएगा इक्विटी डिविडेंड और यहां भी इक्विटी डिविडेंड, कैसे लोगे बच्चों, तो
इक्विटी कैपिटल ऊपर से ले लो 6 लाख रुपए, रेट ऑफ डिविडेंड बनेगा बीजा पॉइंट में आप भेजो, पहले साल में 20%, 1,20,000, दूसरे साल में 6 लाख इंटू 30%, 1,80,000, ये हो गया बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड। और यहाँ 13 में लिख सकते हैं बच्चों नॉट डिक्लेयर, डिक्लेयर करियो नथिंग। समझ लें देखो बच्चों, कुछ पैसे ऐसे जैसे दोनों पॉइंट आ गए इसमें, तीसरा पॉइंट ले बच्चों नजर बोलते थर्ड नंबर में शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसका मीनिंग क्या रहता है बच्चों हम प्रैक्टिस हो गई है, शेयर परचेस्ड बाय होल्डिंग कंपनी नजर बोर्ड पे। बोलो हमने कितने शेयर खरीदे बच्चों, पहले पॉइंट में 2011 में खरीदे एग्जैक्ट 48,000 से, फेस वैल्यू 10 रुपए, सेम 480 बच्चों कोई चेंज नहीं, तीनों साल से वो इजी लग रहा है बच्चों समझ में, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, देखते हैं कितना इजी है। चलो उसके बाद चौथा स्टेप है बच्चों इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी, 2011, 2012 और 2013 कोई चेंज नहीं बच्चों, तीनों साल में हमने टोटल से कितने खरीदे हैं 48,000, कितने में से टोटल 60,000 में से बच्चों इनटू 100 करो दो परसेंटेज मिलेंगे बच्चों, मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूँ परसेंटेज आएंगे आई थिंक 80%। और चौथा स्टेप भी पूरा हो गया बच्चों, ये तो बहुत इजी सा निकला मेरे ख्याल से, देखो तो इतना इजी है, चार स्टेप पूरे हैं पर इसमें बच्चों कुछ तो नया होगा ना, मोस्ट टाइम भी करवा ऐसे थोड़ी होगा। पांचवा स्टेप डेल्ट प्रॉफिट या उसे कहा जाता है रजिस्टर्ड प्रॉफिट नजर बोर्ड पे बच्चों, अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। चलो इसमें कैसे सेटिंग करोगे बच्चों, तो डेल्ट प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे 2011, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, कहां से लोगे स्टेप 3 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। चलो अब बच्चों 2011 में कितने शेयर कैपिटल कर दिए हमने, इक्विटी डिविडेंड लेंगे ना हम 2,84,80,000, फिर 2012 में कितनी खरीदी है बच्चों सेम 4,80,000 रेट ऑफ डिविडेंड, सेकेंड पॉइंट में 20%, 96,000 और यहाँ 4,80,000 का 30%, 4,80,000 का 30% निकालो बच्चों वैल्यू आएगी 1,44,000। उसके बाद है बच्चों 2013 जिसमें इक्विटी डिविडेंड में हम लिख सकते हैं नॉट डिक्लेयर, डिक्लेयर नहीं हुआ है बच्चों, ओह यू गेट स्टेप नंबर 5। अब बच्चों स्टेप नंबर 6 दिखाई देने से ऊपर ले लो नॉट डेल्ट प्रॉफिट या फिर नॉट रजिस्टर्ड प्रॉफिट, इसमें फिर से पर्टिकुलर बच्चों 2011, 2012 और 2013 गपला शुरू, प्रॉब्लम स्टार्ट बच्चों, आईएमपी से मैंने थोड़ी रहा है एक तो डबल से क्या। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ हम लोग टोटल प्रॉफिट नॉट गिवन, नॉट गिवन, सेकंड एडजस्टमेंट जो बीजा वाला मतलब कि जस्ट सेकंड लाइन द हीरा लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 250 इन 2013, इसमें से क्या लेस होगा इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड, कौन से स्टेप में से स्टेप नंबर 2 में से, सबसे जल्दी कम नहीं 120 180, ओ 120 और 180 ये तो है ही नहीं, ये नाव निकाल दे सी जस्ट, और यहाँ है नहीं बच्चों तो अब क्या करोगे, अब यहाँ है बच्चों 280 इनटू इक्विटी इंटरेस्ट, जैसे इक्विटी इंटरेस्ट लोगे बच्चों आंसर आपके सामने आएगा, आंसर है इक्विटी इंटरेस्ट 80% ले लो, 250 का 80% कितना आएगा बच्चों 250 का 80% आई थिंक 220,000 चेक करो तो बच्चों, नो सॉरी 200,000 है। अब बच्चों इसका क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम, तो जब बच्चों आपके पास सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट अवेलेबल हो लास्ट ईयर का
और पिछले दो साल का प्रॉफिट ना दिया हो बच्चों, तो आप ये जो मटेरियल का कॉपी मैंने आपको पेज में दिया है उसमें तीसरे पेज पे टेबल देख सकते हो, वर्किंग नोट पे बैलेंस ऑफ फंड पीएनएल जनरल लास्ट ईयर बैलेंस, उसमें से लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, बॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड बैलेंस, उसमें से बैलेंस लेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। कोई बोले ये है क्या, तो बच्चों ये आपको खोल के रखना है, केक नोट बच्चों इसकी मैंने जोरदार बनाई, आप देखना नोट चुन चुन के नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2011-12 दोनों का प्रॉफिट लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देना, बैलेंस ऑफ पीएनएल एंड जनरल रिजर्व ऑफ 2013 का जो पीएनएल है और बैलेंस शीट को बोलो तो जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व है 50,000 और पीएनएल कितना है, पीएनएल है बच्चों 6,00,000 रुपए, कितना हुआ टोटल 6,50,000, उसमें से लेस करंट ईयर प्रॉफिट 2013 का प्रॉफिट कितना है 2,50,000, लेस करो तो जैसे 6,50,000 में से बच्चों 2 गया, 4,50,000 में से 50 गया, 4,00,000 रहेगा। ध्यान से देखो बच्चों, चेकिंग कर ले एकदम सही है। ये क्या मिला, ये मिला बच्चों प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एंड बैलेंस, प्रीवियस ईयर यानी कौन सा 11-12। अब बच्चों मेरे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना, जो पहला तो तीरनी रकम दी बैलेंस शीट में दी थी 6,50,000, तीरनी रकम गई क्या बच्चों 11,12 टोटल थेगा, एमाजी जो करो मैं तीरनी टोटल बात किया, एमाजी तीरनो प्रॉफिट बात कर रहा हूं, अशुर यू तो आ रहा हूं गया वर्ष का प्रॉफिट 11,12 और यानी बाकी ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें से देखना बच्चों लेस पीएनएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, कौन सा सरकार पॉइंट नंबर 1 में देखो बच्चों 2011 का है 1-1-11 कितना बच्चों, तो जनरल रिजर्व के अंदर है 20,000, पीएनएल मार्केट में जो बच्चों पीएनएल में है 2,00,000, ये कौन सी डेट का बैलेंस है 1-1-11 ये 220 इसमें से लेस करो। अब जैसे लेस करोगे बच्चों 4,20,000 एक एशिमर से, ये क्या मिला, अब ये जो मिला बच्चों प्रीवियस ईयर 2011 एंड 2012 प्रॉफिट, अब ये जो प्रॉफिट आया बच्चों 180 उसको यहां रखो, सीधा आंसर मिल गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये 180 कंबाइंड आया। अब बच्चों जैसे कंबाइंड आया तो प्रॉफिट का पोर्शन भी कंबाइंड ले लो, इंटरेस्ट में 180 का 80% ले लो, जैसे 180 का 80% लोगे बच्चों वैल्यू रिसीव होगी 1,44,000 for 2011-12, this is very very important। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर बोले मुझे सर 11 का और 12 का अलग करना हो तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्रॉफिट अलग करना इम्पॉसिबल है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, आपको कंपल्सरी कंबाइंड प्रॉफिट का यूज करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड डेंजरस हीरर। अब बच्चों इसके अंदर फिर से गेम आ जाता है, आपको पता है ये एचएस स्कूल की एक बार मैं आपको बैलेंस शीट का अंडर सेक्शन 212 का स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, तो इसके अंदर बच्चों हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं एक बार, इससे हमें दूर ना हो, चलो अब कर लेते हैं बच्चों इसे नजर पर पे, इससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए, भेज के कारण बोर्ड में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों। सबसे पहले स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 212 स्टेप नंबर 1। अब आपको उसने बच्चों लास्ट पैराग्राफ में क्लियर बोला है कि एक कंपनी का केना कंपनी का 31 मार्च 14 को बुरा होता है और सबसे बड़ी कंपनी का 31 बार 13, ठीक है, होल्डिंग कंपनी को बरस 11 होता है 31 मार्च 14 और सब्सिडियरी कंपनी 31 12 13, ठीक है। चलो सबसे पहले एक नंबर में कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ
subsidiary company H Limited as on 31/12/13. Second, copy of P&L account of subsidiary company for year ending on 31/12/13. चलो थर्ड नंबर में बच्चों तीसरा पॉइंट, कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी हीरा। उसके बाद बच्चों चार नंबर में कॉपी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, कॉपी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी हीरल फॉर 31/12/13। डेट लिख लिया बच्चों, लिख सकते हो ना, लिखो तो लिख कर ग्रुप ना वाइज के लिख लिए। चलो पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे बच्चों, इंटरेस्ट या फिर बेनिफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी 2011-12-13, तीनों में इंटरेस्ट कितना था बच्चों, 18%। 6 नंबर में होल्डिंग कंपनीज डेल्ट प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी, बोलो होल्डिंग कंपनी का डेल्ट प्रॉफिट कितना था बच्चों, देख के लिखिए। आगे हमने वर्क किया था 480 यस 2013 में था नेट प्रॉफिट 480, 2011 और 12 में भी था 480। इसमें से पिछला साल और दोनों साल अलग दिखा सकते हो बच्चों। चलो उसके बाद बच्चों फिर से रखते हैं बोर्ड, जैसे सर भी आए बच्चों, जब मेहनत करते हैं आपको पता ना पूरी करते ना ना तो कुछ भी नहीं करते बच्चों। नजर बोर्ड पे फिर से बच्चों बोर्ड रख कर रहा हूँ मैं धीरे थोड़े से। एग्जाम के अंदर बच्चों आपको ग्रेडिंग करना, कई बार लोग खाली पूछते हैं प्रिपेयर
और कैलकुलेट डेट प्रॉफिट एंड नॉन डेट प्रॉफिट। तो आगे का काम घर के बराबर लिखा हो कि फाइंड आउट डेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एज पर अंडर सेक्शन 212 एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो आपको ये 9 पॉइंट लिखना है। तो रीडिंग हैबिट रखना बच्चों, कहीं पर बच्चों खाली प्रॉफिट मांगे तो मैं बड़ा आपको स्टेटमेंट लगवा दे, 9 पॉइंट अकाउंट बिजी 10 मिनट तुम्हारी वेस्ट जाए। तो बराबर बच्चों रीडिंग करके डिसीजन लेना है। मोस्टली बच्चों 99% संभव है इसमें से, फिर भी एक आध लेक्चर का काम बाकी होगा तो नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे या फिर होल्डिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट में जाएंगे। याद रखते बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।